नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मार्च 2022 कक्षा 10 का जो हिंदी विषय का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। बहुत ही आसान पेपर था, राइट? आप सबको मालूम है कि इतना कुछ कठिन इसमें पूछा गया नहीं था। विभाग ए के अंदर 1 से 10 MCQ दिए गए थे, जिसके जवाब मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिए है। यदि आपने यही जवाब लिखे हैं तो आपके ये सारे नंबर फाइनल है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा मैं जल्दी में जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपको मालूम है पेपर भी आपके पास है। यदि फिर भी आपको वीडियो तेज़ लग रही है तो वीडियो को थोड़ा धीरा कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके, ओके, या तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं कि जवाब क्या आता है, ओके। इसके बाद दूसरी बात ये बताने की थी कि यदि आपने पुराने पेपर किए होते तो लेखन विभाग के अंदर जो निबंध लेखन वगैरह था इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाता, ओके, क्योंकि जो निबंध थे वो रिपीट पूछे गए थे। यहाँ पर बाकी के जवाब मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF का लिंक भी अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रश्न के जवाब बड़े थे और कुछ छोटे छोटे थे। जैसे यहाँ संदर्भ व्याख्या करने की थी किसी एक की, बराबर 3 नंबर का प्रश्न था, तो बहुत ही छोटा सा ये जवाब था। जबकि सीता का संदेश वाला जो प्रश्न है तो उसका जवाब थोड़ा बड़ा था। यानी जिन विद्यार्थियों ने तैयारी अच्छे से की होगी उनको पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। विभाग बी के अंदर पद्य यानी कविताओं में से प्रश्न पूछे गए थे, इनके जवाब भी मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। तो ये जवाब भी आपके यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपके बढ़िया नंबर बन सकते हैं। इसके बाद जवाब मैं कम्प्लीटली दे चुका हूँ आपको यहाँ सारे के सारे, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपका 32 नंबर का प्रश्न, 33 नंबर और ये 34 नंबर के प्रश्न के जवाब है। इसके बाद 35 नंबर में धनुष टूटने से कौन कौन से तर्क लक्ष्मण ने दिए, तो उनके उनका जो जवाब है वो यहाँ दे दिया है। 5 अलग अलग इन्होंने तर्क दिए थे, राइट। 35वें में अथवा में था, भाकुंड में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है, तो वो चीज़ें यहाँ आपको लिखकर दे दी गई है। इसके बाद पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या करने की थी तो वो भी मैंने आपको लिखकर दे दिए, जो कि बहुत ही लंबा था, राइट। 36वां उसके अथवा में था, यानी दोनों में से कोई एक आपको लिखने का था। विभाग सी में ग्रामर था, जो कि बहुत ही आसान ग्रामर था, राइट। पुराने पेपर्स के ही इसमें पूछे गए थे, उनके आधार पर ही ये तैयार किए गए थे। निबंध विभाग डी लेखन वाला जो है तो पत्र लेखन पूछा गया था, तो कुछ इस प्रकार से आपको पत्र लिखने का था। इसके बाद जो भी गद्यांश दिया गया है उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया था, और आखिर में निबंध जिनमें आतंकवाद, ये 2018 के पेपर में, 2020 में और 2022 में रिपीट हुआ है। प्रदूषण एक विकट समस्या, वो भी रिपीट आपको पूछा गया था। और कोरोना वैश्विक महामारी, ये तो सबको पता ही था कि ऐसा निबंध आएगा ही। तो ये था आपका सॉल्यूशन। PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। और ऐसे ही अगले पेपर के सॉल्यूशन भी आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के सॉल्यूशन के साथ।